So good morning to all. Thank you very much for your responses through chat. Today we will see chapter number one in political science, power sharing. Power sharing. Now, some important lines from our view, overview. With this chapter, we resume the tour of democracy. जो overview है political science के किताब में, उसका अपना एक महत्व है, यह बताने के लिए कि उस chapter का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर. ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर वन इज विथ दिस चैप्टर, यह जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी की यात्रा हमने पिछले साल शुरू की, अगर आपको याद होगा, स्टैंडर्ड 9 की किताब का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1. स्टैंडर्ड 10 में पॉलिटिकल साइंस बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2. तो डेमोक्रेसी की जो यात्रा हमने पिछले साल शुरू की, वह इस साल इस चैप्टर से, पावर शेयरिंग से रिज्यूम हो रहा है. वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ वन ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट. जो पिछला क्लास है उसमें हम लोगों ने यह समझा कि लोकतंत्र में सारा पावर किसी एक ऑर्गेन के पास नहीं होता, किसी एक ऑर्गेन के पास. और ऑर्गेन कितने हैं गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स हैं मेनली, कुछ और पढ़ाई भी होता है, ठीक है, हायर क्लासेस में. हियर वी हैव टू सी 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो, लेजिस्लेचर जहां कानून बनने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव दे यूज टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, दे यूज टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर, इस चैप्टर में और अगला चैप्टर में भी, चैप्टर टू में, कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. जो पावर शेयरिंग का आइडिया है कि लोकतंत्र में शासन की जो शक्तियां हैं, शासन की शक्तियां, वह ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड होता है. चैप्टर टू में हम देखेंगे लेवल्स के बीच भी डिवाइड होते हुए, इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे एक जगह. तो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, सत्ता की शक्ति को बांटो, सत्ता की साझेदारी, उसको हम इस चैप्टर में, इसके बाद के चैप्टर में देखेंगे. वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज, दो कहानियों से, दो देशों के विषय में जानने से हम शुरू करेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग. बेल्जियम की घटना को हम देखेंगे, कहानी को देखेंगे, श्रीलंका की बात भी होगी, और दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए
हम यह देखेंगे, हम यह समझेंगे कि लोकतंत्र जो है वह जो डिमांड है पावर शेयरिंग का, उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे निपटता है। ठीक है, डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के डिमांड को। ठीक, वी आर इंडियन, और आप में से जो भी स्टूडेंट न्यूज देखते होंगे, वे देखते होंगे, ठीक है, इन न्यूज कि कभी कोई संगठन वाले डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा कीजिए, यह हमको चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा उनका डिमांड, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना, दीज ऑल कम अंडर पावर शेयरिंग। वो साझेदारी करना चाहते हैं शक्तियों में, और वे अपना एक कलेक्टिव पावर भी दिखा रहे हैं। तो बड़ा वाइस वर्सा चीजें, बहुत सारी बातें। ठीक है, बाय एंड लार्ज याद रखना क्या है कि लोकतंत्र में शक्तियां एक जगह सीमित नहीं होती, अनेक पावर सेंटर होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, और अगर उस देश में, उस डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम है, तो आपको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी मिलेगा, जैसे कि अपने देश में। ठीक है, अपना देश हिंदुस्तान, इन आवर कंट्री इंडिया, देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। यू ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9, इवन इन 8, दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री जो बोल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, फॉर रूरल एरिया देर आर सेपरेट अरेंजमेंट, फॉर अर्बन एरिया सेपरेट अरेंजमेंट। नाउ लेट्स मूव। हेलो, नाउ ध्यान देना। तो अभी तक जो बातें हुई हैं वह यह कि पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग वर्ड को ध्यान रखना, पावर शेयरिंग इसका हिंदी जो है वह है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। समझने के लिए और क्लियर करें तो जो सत्ता की शक्तियां हैं, ठीक है, उसका बंटवारा। इवन एक परिवार में भी हम हर एक मेंबर चाहते हैं कि हमें कुछ डिसीजन लेने का अधिकार मिले। ठीक है, चाहे वह परिवार में सबसे छोटा सदस्य हो, ठीक है, या फिर सबसे बुजुर्ग सदस्य हो, उसी तरह से देश के अंदर भी होता है। नाउ तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, टू स्टोरीज फ्रॉम टू कंट्रीज, और सबसे पहला जिक्र है बेल्जियम का। बेल्जियम, बेल्जियम छोटा सा देश है यूरोप में। जस्ट अ मिनट, नाउ बेल्जियम, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, छोटा सा देश है यूरोप में बेल्जियम। ए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारा जो देश है आज के दिन, देर आर 28 स्टेट्स, उसमें जो हरियाणा स्टेट है, हमारा हरियाणा स्टेट, उससे भी छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम एरिया में।
इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, ध्यान देना बेल्जियम का बॉर्डर लग रहा है, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से, कितने देशों से? फोर। बेल्जियम का बॉर्डर है। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम देश है वह एरिया में, पॉपुलेशन में हरियाणा से कम है, पॉपुलेशन में तो हरियाणा का हाफ है। द एथनिक कॉम्पोजिशन, ये वर्ड ध्यान देना बच्चों, एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन। अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? सरल भाषा में बोले तो एथनिक कॉम्पोजिशन समाज का समूह है, एथनिक समाज के अंदर समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी। कॉम्पोजिशन उसमें कितना, कितने लोग हैं, जिस आधार पर एथनिक को हम देखेंगे। तो एथनिक का मतलब हुआ सोशल ग्रुप। अब यह जो सोशल ग्रुप होगा वह अनेकों आधार पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम समाज के अंदर ग्रुप बना सकते हैं रिलीजन के आधार पर, कोई हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। रीजन के आधार पर, कोई नॉर्थ इंडियन होगा, कोई साउथ इंडियन होगा। स्टेट के आधार पर, कोई बिहारी होगा, मराठी होगा, गुजराती होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कास्ट बेसिस पर, तो बहुत बहुत सारे आधार हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो सोशल ग्रुप दिया है यह लैंग्वेज बेसिस पर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का एथनिक चर्चा जो हुई है वह लैंग्वेज बेसिस पर हुई है। बेल्जियम की बात करें, लैंग्वेज बेसिस पर जो वहां ग्रुप है, 59% लोग फ्रेंच भाषा बोल, सॉरी मिस्टेक हुआ थोड़ा बोलने में, 59% लोग जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वे बोलते हैं डच भाषा, ध्यान दीजिएगा। 59% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं डच 59%? ज्यादा लोग डच क्यों बोलते हैं? आप याद करो हिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1, एक जगह उस चैप्टर में जिक्र है कि बेल्जियम को नेदरलैंड किंगडम के साथ मिला दिया जाता है आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब जो अगला जो ग्रुप है वो है फ्रेंच बोलने वालों का, ठीक है। वेलोनियन रीजन में फ्रेंच बोलने वाले हैं, कितने परसेंट? 40% तो ध्यान देने वाला बात है। जो दो दो बड़े जो ग्रुप हैं बेल्जियम में वह है डच बोलने वाले 59%, फ्रेंच बोलने वाले 40%। अब फ्रेंच बोलने वाले 40% क्यों हैं? क्योंकि यूरोप में और दुनिया में पर भी, विशेषकर यूरोप में फ्रेंच भाषा का एक समय क्रेज था, जैसे आज दुनिया में इंग्लिश का क्रेज है। इंग्लिश को लेकर के लोगों में है, एक अच्छा इंटरनेशनल भाषा है, अमीरों की भाषा है, पढ़े लिखों की भाषा है, ऐसा विचार एक समय फ्रेंच को लेकर के था। फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वहां जो चीफ मिनिस्टर है सर्डेनिया पिडमोंट का, ठीक है, कैवोर, कैवोर के विषय में वहां लिखा गया है कि वह इटालियन भाषा से बेहतर तरीके से फ्रेंच जानता था। तो फ्रेंच क्यों जानता था वो बेहतर तरीके से? क्योंकि फ्रेंच यूरोप में एलिट्स का भाषा था,
अमीर लोगों का, संभ्रांत लोगों का, पावरफुल लोगों का। इसका असर आप कहीं ना कहीं बेल्जियम पर देख रहे हो, इसका असर कहीं ना कहीं बेल्जियम में लोगों की भाषा पर है। ठीक है, 59% लोग डच बोल रहे हैं, 40% फ्रेंच बोल रहे हैं। जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम का, दैट इज ब्रुसेल, जो कैपिटल सिटी है वहां क्या है, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, केवल 20% डच बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा आप दूसरे देशों में भी देखोगे, अपने देश में भी देखोगे कि जो हमारा कैपिटल रीजन है, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर अंग्रेजी समझने बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान देना, ठीक है, कैपिटल सिटी में जो एथनिक है ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक ग्रुप्स है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो डिफरेंट हो जा रहा है। ब्रुसेल में जो कैपिटल सिटी है वहां बहुमत है, बहुमत क्या, बहुत ज्यादा ही आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी है फ्रेंच बोलने वालों की। 80% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, केवल 20% डच बोल रहे हैं। अब वहां टेंशन क्या है, जो फ्रेंच संख्या में कम है देश में, 40% है, ज्यादा कौन है, 59% डच। ये कम आबादी वाले फ्रेंच सोसाइटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, जो फ्रेंच सोसाइटी है रिलेटिवली वह अमीर है, वह पावरफुल है। तो डच वालों को लगता था, निश्चित तौर से लगना चाहिए, कि हमारी आबादी ज्यादा है और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमसे कम आबादी वाले वे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वे पावर में हैं। तो जो फ्रेंच हैं वो पीछे हैं, ठीक है, पावर में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, और एजुकेशन में जो पीछे रह गया वो इकोनॉमी में पीछे जाता है। अधिकतर उदाहरण दुनिया में इसी बात का है। किसी भी देश में देखोगे, कोई भी देश उठा के देखो, जो सोशल ग्रुप वहां एजुकेशन में पीछे हो गया, 99% चांस है कि वो इकोनॉमिकली भी पीछे हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। यह जो एटमोस्फियर था, यह जो माहौल था, यह जो सर्कमस्टांसेस था, इसके चलते डच और फ्रेंच बोलने वालों पर के बीच भाषा के आधार पर, और इस भाषा में जुड़ क्या गया कि जो डच हैं वे पीछे हैं इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, एजुकेशन में इन कंपैरिजन टू फ्रेंच। तो टेंशन था कि नहीं, हमें भी शेयर मिलना चाहिए। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। और ब्रुसेल में तो टेंशन अजब हो गया। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपुल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। जो डच बोलने वाले थे वे देश में बहुमत में थे, मेजोरिटी बहुमत, वो 59%, जबकि कैपिटल सिटी में मात्र केवल 20%। तो पूरे देश में जो प्रॉब्लम है वो रूप बदल करके है देश के कैपिटल सिटी में, डच में, सॉरी ब्रुसेल में। नाउ लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री।
देखो अभी प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन की बात अभी नहीं किया, बोला कि अब चलो दूसरा देश देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कहाँ कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा देश हमारा पड़ोसी है, ठीक है, और नाम है श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका को देखो तो उसके चारों ओर वाटर बॉडी है, ओशियन है, ठीक है, कहीं पर गल्फ है कहीं पर, ठीक है, डायरेक्टली बड़ा सा ओशियन है, ठीक है। तो ओशियन से वो घिरा हुआ है श्रीलंका, इसलिए लिखा गया कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसका साउथ में कुछ ही किलोमीटर, कुछ ही किलोमीटर। और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में समुद्र का पानी है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं उसको गल्फ है कहीं स्ट्रेट का एरिया है। और बड़ा, जब आप वीडियो देखोगे तो ये दोनों देश के बीच में कई जगह ऐसा मिलेगा कि आप आराम से अपने बोट से उतर कर चल पाओगे, मुश्किल से घुटना भर पानी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई ट्रेवलर उस तरह का वीडियो वहां डालता है तो। और बहुत सारी जानकारियां हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको बता दिया, थोड़ा सर्च करो, देखो। तो श्रीलंका आइलैंड कंट्री है, जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, ठीक है, उसके साउथ एंड साइड में। आबादी, इट हैज 2 करोड़ पीपल। 2 करोड़ जब ये किताब लिखी गई, ठीक है, अभी कुछ ज्यादा होगा या कोई वैसी बात हुई होगी तो कम भी हुआ होगा। तो 2 करोड़ पीपल वहां है, लगभग उतना जितना हरियाणा में है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। दूसरे एशियन कंट्रीज की तरह श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है डाइवर्स है। अपना देश देखो, डाइवर्सिटी है, ठीक है, कुछ परसेंट ये कुछ परसेंट वो। श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी है, हाँ, लेकिन कोई दो धड़ा मुख्य है। तो श्रीलंका में जो दो धड़े मुख्य हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ध्यान देना, यहाँ एथनिसिटी जो है वह लैंग्वेज के बेसिस पर है। जो सोशल ग्रुप यहाँ है इस चैप्टर में वह लैंग्वेज के बेसिस पर है, चाहे बेल्जियम देखें चाहे श्रीलंका। श्रीलंका में जो लैंग्वेज ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है सिन्हला, 74%। सिन्हला बोलने वालों की आबादी है 74%। तमिल बोलने वालों की आबादी है 18%। अब ध्यान देना है कि 18% जो तमिल हैं उसमें 13% ऐसे हैं जो वहां के नेटिव हैं सैकड़ों सालों से, लेकिन 5% जो तमिल हैं, 5% जो तमिल हैं वे ऐसे हैं जिनके पूर्वज पिछले 100 साल में या 200 सालों में भारत से गए हैं, ठीक है। आप अब किताब देखिए, किताब क्या बोलता है, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, नाउ द नेक्स्ट पेज, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल नेटिव हैं वे कहलाते हैं श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंका के तमिल। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम, आई इज माई स्क्रीन विजिबल, इट्स लोडिंग, ओके, चलो फिर बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। जो 5% तमिल हैं
उनके फोर फादर्स इंडिया से गए हैं। ओके नाउ नाउ इट्स ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आप जो बुक का पेज है वो आपके स्क्रीन पर जा रहा है। सो 5% जो है दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स क्यों? अंग्रेज ले गए इनको श्रीलंका फॉर डिफरेंट वर्क्स, मेनली प्लांटेशन। मेनली प्लांटेशन अंग्रेज हिंदुस्तानियों को कई देशों में ले गए, उनमें से एक श्रीलंका, कुछ और देश भी है, फिजी, मॉरिशस, मालदीव, इवन सम कैरेबियन एरिया एंड सम अदर अफ्रीकन एरिया आल्सो। खैर हम बात करते हैं श्रीलंका की, वापस आते हैं। तो जो इंडिया से जिसके पूर्वज गए श्रीलंका, दे आर नोन एज इंडियन तमिल। नाउ श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो तमिल है श्रीलंका में, वे नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में है देश के। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ देखो, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लैंग्वेज के साथ धर्म का भी बात है, मतलब लैंग्वेज के साथ धर्म भी जुड़ गया है। जो सिंगला बोलने वाले हैं वे अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, अधिकतर बौद्ध धर्म को। जो सिन्हला बोल रहे हैं श्रीलंका में, मोस्ट ऑफ देम धर्म क्या है? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म दे आर फॉलोइंग। जबकि जो तमिल्स हैं वे हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज के साथ, यहाँ लैंग्वेज के साथ धर्म भी जुड़ गया है। ठीक है, बेल्जियम के केस में यह नहीं है, बेल्जियम के केस में यह समस्या नहीं है, पर श्रीलंका के केस में यह समस्या है। खैर वापस चलो, बेल्जियम के केस में बोला 59% डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। अब श्रीलंका के केस में 100% डाटा जो है नहीं अवेलेबल है। क्या बोला जा रहा है? 74% सिंगला, 18% तमिल, दोनों को जोड़िए 92%। अगला जो डाटा क्या है, 7% क्रिश्चियन। 7% क्या है? क्रिश्चियन है, हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला। अब ये तो क्लियर है नहीं, अब ये तो मैथ्स का वह प्रॉब्लम हो गया, सेट का, यूनियन का। खैर तो अगर यहाँ डाटा देखा भी जाए तो कितना है, ठीक है, 99%। अब कहीं कहीं बात हो जाती है कि जो 1% है उसमें बाकी लोग हैं, पर किताब के इस हिस्से में वैसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो श्रीलंका के केस में क्या है फिर दोहराते हैं। ठीक है, लेट्स रिकॉल, 74% सिन्हला, 18% तमिल्स, 7% दे आर क्रिश्चियन हु यूज टू स्पीक बोथ तमिल एंड सिन्हला। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इमेजिन कीजिए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। बेल्जियम में देखो, ठीक है, डच कम्युनिटी को एडवांटेज, ठीक है, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन पॉपुलेशन। अगर लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी चलता है संख्या बल से, बेल्जियम में डच की संख्या बल ज्यादा है। अगर देखा जाए तो डच अपनी संख्या के आधार पर फ्रेंच पर अपना फोर्स जो है लगा सकते हैं, ये हो सकता है बेल्जियम में। दिस वुड पुश द कंफ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। लेकिन ऐसा अगर वे करते हैं तो
जो उनके बीच का टेंशन है वह और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। और अगर ऐसा बेल्जियम में हुआ तो ब्रुसेल्स को लेकर के तो खूब खींचा तानी होगी, ठीक है। देश में किसी की मेजोरिटी है, ब्रुसेल में किसी और की मेजोरिटी है, अलग अलग एरियाज भी लगभग बटे हुए हैं। श्रीलंका के केस में क्या है, सिनेला कम्युनिटी जो है, सिनेला, वो तो और बड़ी मेजोरिटी में है, बिगर, ध्यान देना, बिगर मेजोरिटी, बिगर मेजोरिटी। बेल्जियम के केस में जो डच है वो तो 59% है, अगला 40% है। लेकिन श्रीलंका के केस में देखो, श्रीलंका के केस में जो गैप है सिनेला और तमिल्स के बीच में, वो तो और ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बेल्जियम। अब कल्पना करो, अगर मेजोरिटी अपना विल थोपना शुरू कर दे तब तो श्रीलंका में और स्थिति खराब होगी, बेल्जियम में भी खराब होगी। अब देखते हैं किसने क्या किया। एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। चलो आगे देखते हैं कि इन दोनों देशों में क्या हुआ, किसने समझदारी दिखाई और किसने बेवकूफी किया, ठीक है। नाउ लेट सी, अगला जो पॉइंट है वह क्या है, अगला पॉइंट है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जो अगला जो पॉइंट है उसमें बात होगी श्री लंका की, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट श्रीलंका। नाउ लेट सी, केवल पहला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा। समझने वाली जो बात है, समझने वाली बात है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म का हिंदी होता है बहुलवाद, बहुसंख्यकवाद। इसका मतलब होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वह अपना बात, अपनी बात मनवा ले, या अपनी बात फोर्सली दूसरों पर थोप दे। दिस इज मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, बहुसंख्यकवाद। संख्या ज्यादा है और डेमोक्रेसी तो संख्या से चलती है, लेकिन बोला गया है कि डेमोक्रेसी संख्या से चलती है, ठीक है, लेकिन सबकी भावना का ख्याल रखना, सबको साथ लेकर के चलना ही लोकतंत्र है। केवल किसी एक ग्रुप की बात सरकार मानती जाए तो उस स्थिति को लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, जो अगला क्लास है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वी विल मूव फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट। अगले क्लास में हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म से आगे बढ़ेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और इसका क्या बुरा, बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट श्रीलंका पर पड़ा, उसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर श्रीलंका जो गया, अच्छा किया या बुरा किया। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल टू बी विथ मी। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ गुड डे।